बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का सी पैक अथॉरिटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर मंसूबा बंदी अहसन इकबाल ने अथॉरिटी को गैर फाल करार देकर खत्म करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को समरी जल्द अरसाल कर दी जाएगी। आसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह इदारा एक बोझ बन गया है जिस पर बेतहाशा वसाइल जाया किए जा रहे हैं। सी पैक मंसूबों पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। आसन इकबाल ने कहा सी पैक मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज करने की हदायत जारी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट को दोबारा मुरतब करने का फैसला। मुआशी दहशतगर्दी करने वाले कौमी मुजरिम अब भाग ना पाएंगे। वज़ीर दाखला राणा सनाउल्लाह का ऐलान, कहा इमरान खान को अपनी नाअहली, करप्शन और लूटमार की आवाम से बाजमात माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान को सियासी मुकाबले के बाद ही अदम एतमाद के जरिए पार्लियामेंट से बाहर किया। वज़ीर दाखला का कहना था कि मुआशी दहशतगर्द कौमी मुजरिम है, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। तारिक फातमी से मुशीर बराए खारजा अमूर का ओहदा वापस ले लिया गया। गुज़श्ता रोज तारिक फातमी के मुशीर बराए खारजा अमूर का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तारिक फातमी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मामले खसूसी भी रह चुके हैं। तारिक फातमी 35 साल से ज्यादा अरसे तक कैरियर डेवलपमेंट रहे। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन में मुख्तलिफ सफारतकारी जिम्मेदारियां भी अंजाम दी। गैर यकीनी की फिजा खत्म होने तक मईशत नहीं संभलेगी। सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें पीटीआई के रहनुमा असद उमर का हुकूमत को चैलेंज, कहा इंपोर्टेड हुकूमत में गैर यकीनी की कैफियत बढ़ रही है। गवादर पर असल काम तो साबिका हुकूमत में शुरू किया गया था। डॉलर का रेट तो गिरेगा क्योंकि हमने मईशत मजबूत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद मईशत गैर मुस्तहकम होना शुरू हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में रुपया मजीद दबाव में आएगा। सिंध के गांव मेहर में आतिशबाजी का वाकया, वज़ीर आज़म को सानहे के हवाले से रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ ने वाकये की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जांबहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की इमदाद के लिए 1 करोड़ रुपए भी जारी। जेयूआई के रहनुमा जाहिद अकरम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का हलफ उठा लिया। राजा परवेज अशरफ ने हलफ लिया। जाहिद अकरम दुरानी कहते हैं पूरे ऐवान से वादा करता हूं डिप्टी स्पीकर के ओहदे का वकार बहाल करूंगा, अवाम की खिदमत हमें विरासत में मिली है। साबिक वज़ीर आज़म के लिए मौजूदा वज़ीर आज़म का बड़ा हुक्म, शहबाज शरीफ की इमरान खान की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हदायत। इमरान खान की सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वजारत दाखिला का 4 सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज को खत। ग्रेटर इकबाल पार्क में तरीके इंसाफ का भरपूर अवामी इज्तमा। पंजाब में पार्टी पश्चिमों की बहार, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। कारकुनों का ढोल की थाप और पार्टी तरानों पर रक्स। 40 फीट ऊंचा और 120 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। शहर भर से निकलने वाली पीटीआई की रैलियों के 22 ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस सर्विस आरजी तौर पर मुअत्तल। इसकी वजह से इनकी हुकूमत गई है, मुफ्त में एंटरटेनमेंट लोगों को मिल जाती है। जिस सिंगर को सुनने के लिए देखने के लिए आप हजारों की टिकट लेके जाते हैं कॉन्सर्ट पे, वो आपको मुफ्त में सुना देता है। इमरान खान के जलसे में आवाम को सस्ती तफरीह मिल जाती है। वज़ीर आसिफ मुराद अली शाह का साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीदी वार, कहते हैं हमने 5 साल का काम 1.5 साल में करना है, अगर सदन आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। गुज़श्ता हुकूमत कहती रही बिजली सिस्टम में मौजूद है, आज पूछता हूं किधर है बिजली।
साबिक वज़ीर इत्तला तबा चौधरी कहते हैं आज लाखों लोग इमरान खान के खुददारी के नारे पर लबैक कहेंगे। मगरब के गुलामों का सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है। कायदे आजम ने जो सफर शुरू किया उसकी तकमील की जद्दोजहद की इब्तदा आज है। इमरान खान की क़यादत में कौम हकीकी आजादी के लिए कमर बस्ता हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा लंदन, आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वफद में नवीद कमर, कमर जमान कारा, शिरी रहमानो, सैयद खुर्शीद शाह शामिल। मुलाकात में सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के अहदों से मुतालिक मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी का गवर्नर पंजाब के अहदे से दस्तबरदार ना होने का फैसला। इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों को काबीना में शामिल करने से मुतालिक भी बातचीत। मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफारक दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अमारुल हक ने समाज से माजरत कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मरियम नवाज के केस की समाज जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल बेंच ने की थी। बेहतर है वही बेंच दरखास्त पर समाप्त करे। आईएमएफ से मुजाकरात, वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल अमरीका रवाना। रवानगी से कबल बोले आईएमएफ प्रोग्राम को तरीके इंसाफ ने पटरी से उतारा, मसला हल करने की कोशिश करूंगा। खुशी है 3 साल बाद ईसीएल से नाम निकला। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। मुल्क की तरक्की का सफर जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू है। मरियम औरंगजेब का दावा, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत कहती हैं काबीना अराकीन मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया भर से वज़ीर आज़म को मुबारकबाद के पैगामात, खारजा पॉलिसी की बेहतरी की तरफ जाने की वाज़ह निशानदही कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को न सिर्फ अमामी बल्कि दोस्त ममालिक का एतमाद हासिल है। गर्मी की शिदत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, माह सयाम में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुक ना सका। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, कोटा समेत दीगर शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 6 घंटे और देहात में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। रोजगारों को शदीद मुश्किलात का सामना। डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी का 1.28 रुपए महंगा। डॉलर 187 रुपए की हद दूर कर गया। 5 दिन में डॉलर की कीमत में 5.65 रुपए का इजाफा हुआ। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी का रुझान, स्टॉक एक्सचेंज में 128 पॉइंट्स की कमी। अंग्रेट इंडेक्स 45,815 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ की मस्जिद पर धमाका, 25 अफराद जां बहक, 65 अफराद के जख्मी होने की इत्तला'आत। रेस्क्यू अहलकारों ने हलाक और जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी अहलकारों की जानिब से इलाके की नाकाबंदी। हेटी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, पायलट समेत 6 अफराद सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक। तैयारे ने इससे पहले 3:44 पर उड़ान भरी। परवाज दारुलहुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस से हॉपवेल शहर की जानिब महुए परवाज थी कि अचानक राबता मुनकता हुआ। रूस का यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर कब्जे का दावा, सदर प्यूटिन की कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर दफा को मुबारकबाद। मारियोपोल का कब्जा हासिल करना अहम कामयाबी करार। प्यूटिन की वज़ीर दफा को ओस्टाल प्लांट पर चढ़ाई से गुरेज और सख्त महासरे की हिदायत। ओस्टाल प्लांट पर हथियार डालने वाले यूक्रेनी फौजियों को जान की जमानत देने का ऐलान। और मौसीकी की दुनिया में मुनफरिद अंदाज और गायकी के बेहतरीन अस्लूब की तस्वीर, इकबाल बानू की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें और अपडेट जानने के लिए टैलेंट न्यूज के साथ रहिए।